पितृपक्ष चल रहा है और गया जी में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पिंडदान के लिए आते हैं। दसवीं तिथि को यूक्रेन और रूस के युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए यूक्रेन से आई यूलिया ने पिंडदान किया। पिंडदान के दौरान यूलिया भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए भारतीय परिधान को धारण की हुई थी। यूलिया के अलावा और भी 36 लोग यूक्रेन और रूस से गया जी आए हैं, जो अगले दिन अपने पूर्वजों का पिंडदान करेंगे। बता दें कि यूलिया दूसरी बार गया जी आई है, इससे पहले वो अपने माता पिता और पूर्वजों का पिंडदान की थी। कहा जा रहा है कि यूलिया की माता ने आत्महत्या की थी, जबकि पिता की मौत कैंसर से हुई थी। कोरोना काल से पूर्व यूलिया गया जी आई थी और अपने पितरों का पिंडदान किया था, लेकिन इस बार यूक्रेन और रूस के युद्ध में मारे गए सैनिकों और आम लोगों की आत्मा की शांति के लिए गया फल्गु तट पर पिंडदान कर रही है। यूलिया एक दिवसीय पिंडदान कर रही है। यहां से पिंडदान करने के बाद तुरंत अपने देश यूक्रेन वापस लौट जाएगी। लोकल 18 से बात करते हुए यूलिया बताती है कि गया जी में आकर काफी शांति मिल रही है, युद्ध में मारे गए लोग तथा अपने पूर्वजों का पिंडदान कर रही है। वहीं यूलिया को पिंडदान करा रहे पंडित लोकनाथ गोरदास यूक्रेन और रूस में हिंदू जागृति का काम करते हैं। I'm coming from Ukraine. Pindam for ancestors. Yes. Or your father and mother passed. Yeah, they left the body, so that's why I came. This year, your father and mother passed away this year. My father and mother passed away many years ago. You came to Gaya, Gaya. You came to Gaya. Yes, that's why I came to Gaya. When you came? I came today early morning. Early morning. Yes. Alone? Yes, alone. I came to Prabhuji. So, I'm following him. How are you feeling here? Huh? How are you feeling here? I feel very nice. Very peaceful. Okay. Thanks for the opportunity to be here. What's your name? Julia. ये यूक्रेन से आई है और यूक्रेन और रशिया में जितने भी हत हो गए युद्ध भूमि में उन सब के नाम से उनके जो गुरु हैं नाटालिया सफरनोवा, ये इन्होंने ये दिया कि संदेश, इसको स्फूर्ति दिए कि इतने सारे लोग हत हो रहे हैं, इनका मोक्ष कहाँ होगा। तो आप मेरे, क्योंकि नाटालिया सफरनोवा जो है उसके 5 लाख शिष्य हैं और 5 लाख शिष्यों को जो है यही धर्म सिखाती है वो कि किस तरह से मोक्ष प्राप्ति को प्राप्त करना है बोलते। वो अलग अलग ग्रंथों के बारे में, हमारे हिंदू ग्रंथों के बारे में स्टडी कर चुकी है, 5 लाख लोग यही शिष्य है। तो उन्होंने यही इसको स्फूर्ति दे के भेजा कि आप भारत भूमि में जाइए, उसमें गया में जाइए पितृपक्ष में स्पेशली, और जितने भी दोनों तरफ के देश से जो लोग हैं उन मारे गए उन सब के लोगों के नाम से आप पितृपिंडदान करके आइए। तो ये उसी रूप से आइए। इनके माता पिता का देहांत हुआ था, वो पहली बार जब आई थी, दूसरी दफा यहाँ पे आई है, पहली बार जब आई थी उस टाइम पे पिंड और तर्पण सभी करके माता पिता का जो मोक्ष के लिए ये किया, आज भी कर रही है इस तरह से इनका जो है।